इंफोसिस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वी बालाकृष्णन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट के बारे में कुछ कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। बालाकृष्णन के मुताबिक अभी ये देखना जरूरी होगा कि आने वाली तिमाही में रुपया कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा ये देखना भी जरूरी होगा कि दूसरी करेंसीज पर इसका क्या असर पड़ता है। रुपए की कमजोरी से एक तरफ इम्पोर्टर्स परेशान है तो दूसरी ओर इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। खासतौर से खाने के तेल के दाम आपके किचन का बजट बिगाड़ सकते हैं। अब सबकी नजर रिजर्व बैंक की 16 दिसंबर को होने वाली क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा पर है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भी 2011-12 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। फिच के नए अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की ग्रोथ रेट 7% रहेगी, जबकि फिच ने पहले 7.5% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। वहीं फिच ने 2012-13 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान भी 8% से घटाकर 7.5% कर दिया है। ऊंची ब्याज दर, महंगाई और ग्लोबल स्लोडाउन के असर को देखते हुए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया गया है। हालांकि फिच को उम्मीद है कि 2013-14 के दौरान भारत की ग्रोथ रेट 8% रह सकती है। और शेयर बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार देखिए। वेलकम बैक। 3 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी लौटी। आखिरी आधे घंटे में हुई शॉर्ट कवरिंग से सेंसेक्स 132 और निफ्टी 36 अंक चढ़कर बंद हुए। कल की तेज गिरावट के बाद आज मेटल इंडेक्स में 2% की बढ़त रही तो तेल गैस और ऑटो इंडेक्स भी 1% चढ़े। कमजोर रुपए से आईटी इंडेक्स में हल्की तेजी रही, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 2% टूट गया। बाजार को फिलहाल कल आने वाले मासिक महंगाई दर के आंकड़ों का इंतजार है। और शेयर बाजार में आज के कारोबार पर ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है सी बिजनेस के मार्केट रिसर्चर रजत देवकुंड। रजत, 3 दिन के बाद आज बाजार में तेजी लौटी, वही कल भी जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं उसका बाजार को इंतजार है, क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए शेयर मार्केट को लेकर? जी शुक्रिया रजत पूरी जानकारी के लिए। और इंफोसिस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़ते हुए शेयर बाजार में सबसे प्रभावशाली कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। सोमवार की क्लोजिंग के आधार पर इंफोसिस वेटेज के लिहाज से सेंसेक्स में सबसे प्रभावशाली कंपनी बन गई है। फिलहाल सेंसेक्स में इंफोसिस का वेटेज 10.25% है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज 10.08% रह गया है। वहीं निफ्टी में इंफोसिस का वेटेज 9.13 है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज 8.48 रह गया है। बाजार में फ्री फ्लोट शेयरों के आधार पर कंपनी की मार्केट वैल्यू के मुताबिक इंडेक्स में शामिल कंपनियों का वेटेज तय किया जाता है। शेयर की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव के मुताबिक इंडेक्स में शेयर का वेटेज घटता बढ़ता रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में शेल गैस आधारित एलएनजी गैस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरआईएल के शेल गैस पार्टनर्स एलएनजी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। कंपनी के शेल गैस पार्टनर शेवरॉन 3 से 5 साल में एलएनजी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकती है। साथ ही कंपनी ऐसे नए शेल गैस क्षेत्र की तलाश में भी है जिनसे एलएनजी प्लांट लगाने में मदद मिले। कंपनी अमेरिकी प्रोजेक्ट से भारत में एलएनजी इम्पोर्ट करने के मौके तलाश रही है। पेट्रोलियम रेगुलेटर डीजीएस ने केजीडी 6 में आरआईएल के 123 करोड़ डॉलर के निवेश को नामंजूर करने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक डीजीएस की राय है कि अगर आरआईएल ड्रिलिंग और गैस उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाता तो उसके निवेश को खारिज कर देना चाहिए। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मामले में अपनी सहमति नहीं दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और डीजीएच के बीच कल हुई बैठक में इस मामले पर सहमति नहीं बन पाई है। आरआईएल ने धीरूभाई 1 और 3 फील्ड में निवेश 245 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 880 करोड़ डॉलर करने की मंजूरी हासिल कर ली थी। कंपनी अगले साल अप्रैल तक 31 कुओं में खुदाई के मुकाबले अभी सिर्फ 20 कुओं में ही खुदाई कर पाई है। वहीं गैस उत्पादन भी 40 एमएमएसपीएमडी से नीचे फिसल गया है। और अब बात की बिजनेस एक्सक्लूसिव की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय से हवाई ईंधन पर लगने वाले टैक्स में कमी करने की गुहार लगाने जा रहा है। इसके लिए उड्डयन मंत्रालय ने सिफारिशों की एक लिस्ट तैयार की है। इसके मुताबिक उड्डयन मंत्रालय की मांग है कि एयरलाइंस ऑपरेटर्स को विदेश से हवाई ईंधन सीधा आयात करने की परमिशन दी जाए।
और अब बात की बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबरों के मुताबिक किंगफिशर के सीईओ संजय अग्रवाल इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रबंधन उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। दरअसल संजय अग्रवाल के कार्यकाल में किंगफिशर एयरलाइंस का घाटा पड़ा है और वो कंपनी को टर्न अराउंड करने में नाकाम रहे हैं। एयरलाइंस सूत्रों के मुताबिक बोर्ड की कई बैठकों में बोर्ड के सीनियर मेंबर्स ने संजय अग्रवाल की खिंचाई की और संजय पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। संजय अग्रवाल ने अक्टूबर 2010 में किंगफिशर एयरलाइंस ज्वाइन किया था। इससे पहले वो स्पाइसजेट के सीईओ थे। उधर विजय माल्या ने भी सी बिजनेस को भेजे जवाब में संजय अग्रवाल के इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है। आरसीआई के एमडी और सीईओ अतुल राय को अपनी नियुक्ति को लेकर जानकारियां छुपाने का दोषी पाया गया है। संसद की एक समिति ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। गौरतलब है कि अतुल राय वित्त मंत्रालय में काम करते हुए आरसीआई में मनोनीत निदेशक का पद भी संभाल रहे थे। बाद में वित्त मंत्रालय में अपने पद से इस्तीफा देकर वे आरसीआई के एमडी और सीईओ बन गए। कैबिनेट की अगली बैठक तक के लिए चला खाद्य सुरक्षा बिल। पूरी खबर देखिए। वेलकम बैक। संसद ने देश भर में केबल टीवी के डिजिटाइजेशन का रास्ता साफ कर दिया है। लोकसभा ने आज केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश भर के सभी केबल नेटवर्क को डिजिटाइज करना है। पहले चरण में चार महानगरों में 30 जून 2012 तक सभी केबल नेटवर्क का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में केबल डिजिटाइजेशन किया जाएगा। बिल के मुताबिक 2014 तक पूरे देश में सभी केबल नेटवर्क को डिजिटाइज किया जाएगा। सरकार की आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को एक और झटका लगा है। वित्त मामलों पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे ग्लोबल मंदी का भारत पर ज्यादा असर पड़ सकता है। कमेटी ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2011 के तहत निजी बैंक में निवेशकों के वोटिंग राइट्स की सीमा 10% से बढ़ाकर 26% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मामलों पर संसदीय कमेटी के अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा हैं। ये इंश्योरेंस बिल आया था तो ये कमिटमेंट था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फाइनेंस मिनिस्टर, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर का, कि किसी भी कीमत पर हम 26% से ऊपर नहीं जाएंगे। और दूसरा सवाल यह है कि हमने उसको ऑप्शन दिया हुआ था कि आप आईपीओ में जाइए, तो 10 साल के बाद उनको आईपीओ में जाना था। खाद्य सुरक्षा बिल कैबिनेट की अगली बैठक तक के लिए चल गया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। हालांकि कैबिनेट की इस बैठक में सिटीजन चार्टर बिल और न्यायिक जवाबदेही बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही विसल ब्लोअर बिल को भी हरी झंडी दे दी गई है। अब खाद्य सुरक्षा बिल पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है। रियायती दर पर अनाज देने वाले इस बिल में गरीबों को दो श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक श्रेणी में हर आदमी को महीने भर के लिए 7 किलो अनाज मिलेगा। इसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो ज्वार होगा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के मुताबिक सी न्यूज इस साल संसद की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए जाबाजों को अनन्य सम्मान से सम्मानित कर रहा है। इन जाबाजों ने लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा की रक्षा में अपनी जान गंवा दी। सी न्यूज हर साल देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले वीरों को अनन्य सम्मान से सम्मानित करता है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सी न्यूज के अनन्य सम्मान की पहल की प्रशंसा की है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सी बिजनेस। नमस्कार।